हेलो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आप सब भी मेरी तरह बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपने ट्रैक्टर यमराज का पूरा म्यूजिक सिस्टम मतलब इसमें आज तक मॉडिफिकेशन में कितना खर्चा आया मैं उसका रिव्यू देता हूँ आज आपको। एक बार आप ट्रैक्टर की लुक देखिए भाई, सारे ट्रैक्टर को दिखाओ आप। फ्रेंड्स, शुरुआत करता हूँ मैं अभी अपने ट्रैक्टर के म्यूजिक सिस्टम में कितना खर्चा आया है, क्या क्या इसमें वो है, कितने अच्छा है, क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। एक बार आप चेक करिए इसकी लाइट, ये 15 इंची इसके सब बूफर हैं फ्रेंड्स। ये आपके 6 इंची स्पीकर हैं, इसमें 7 स्पीकर हैं। ये म्यूजिक सिस्टम मुझको पड़ा था 25,000 का पुरकाजी से। ये पुरकाजी से लाया था मैं सरदार जी के पास इसकी, क्योंकि मैंने कहीं जगह चेक करा था म्यूजिक सिस्टम इस रेंज में मुझको कहीं अच्छा नहीं लगा। पंजाब में मैंने चेक करा था, क्योंकि जो इसका म्यूजिक सिस्टम है ना, आप एक बार चेक करिए, आप दिखाओ भाई, जिसका ये डैग है ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक ही इसकी आवाज़ आवाज़ बहुत अच्छी है इसके अंदर, क्योंकि एक मुझे बहुत अच्छा फ्यूचर लगा है डैग के अंदर। इसमें कन्वर्टर वाला वो है फ्यूज, जो इन्वर्टर में लगता है 40 नंबर फ्यूज, उसकी वजह से मेरा डैक कभी भी ख़राब नहीं हो पाता। वो फूक जाता है, जैसे कभी भी झटका लग जाता है ट्रैक्टर का, आपको पता है, तो ये फूकता नहीं। चलो मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ ट्रैक्टर में लाइटों का, टायर्स के बारे में। चलो टायर्स के बारे में बात करते हैं। ये 16 इंची एलॉयज हैं, ये मुझे इस ट्रैक्टर के मोस्टर टायर तो मिले नहीं, आपको पता है यहाँ पे हमारे सहारनपुर में ज़िले में इसमें मिलते नहीं यहाँ पे, क्योंकि मॉडिफिकेशन का कोई भी सामान यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने स्कॉर्पियो के टायर्स डाले इसमें। ये टायर्स लिए थे मैंने मिचलिन कंपनी के, ये अलॉय लिए थे स्कॉर्पियो के 16 इंची हैं। और आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको इसके, भाई ये दिखाइए, जिसके ये हब है ना, हब आप हब देखिए, ये ओरिजिनल स्कॉर्पियो के हब्स हैं जो मेरे इस ट्रैक्टर में फिटिंग बैठे हैं। यानी जो पंजाब वाले सभी भाई हैं ना, वे अपने आप हब बनाते हैं, उनसे इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती ट्रैक्टर में, थोड़ा मज़ा भी नहीं आ पाता। फ्रेंड्स, जो इसके टायर्स हैं ना, इनको फिट कराना ही एक सबसे बड़ी मुसीबत का काम था, क्योंकि ये छोटा ट्रैक्टर है ना, क्योंकि इसमें तो बड़े ट्रैक्टर में तो हर कोई कर लेता है फिट, मगर ये जो छोटा ट्रैक्टर है ना, इसमें हर कोई नहीं फिट कर पाते। यहाँ पर हमारे यहाँ पर मिस्त्री भी नहीं है इसके ट्रैक्टर के, तो ये मैंने बहुत अपने आप जुगाड़बाजी करके बहुत टेंशनबाजी से हुआ है काम। एक बार आप एलॉय देखिए इनके कैसे लग रहे हैं आपको, आपने वैसे तो वीडियो में देखे हैं। ये एक बहुत टेंशन का काम था, मगर कोई नहीं, हो गया, आप सब भाइयों का प्यार था इसलिए करवा दिया। ये मैं आपको बताता हूँ लाइट्स के बारे में। मेरे ट्रैक्टर में ये टायरों का खर्चा आया था, मेरा इन टायरों का खर्चा आया था 15,000 लगाने में। टायर्स थे इसमें, ये एलॉयज थे, दोनों चीज़ एक साथ तीन में सारा खर्चा, मतलब टोटल मिस्त्री उस्त्री का लगा के सब 15,000 आया था मेरा टोटल। ये मैं आपको बताता हूँ ट्रैक्टर में लाइट्स पे कितना खर्चा आया है इसमें। एक बार मैं म्यूजिक सिस्टम बंद कर देता हूँ, ये आवाज़ कर रहा है, आपको लाइट्स जला के दिखाता हूँ ट्रैक्टर की। एक बार ये इसके एलॉयज में दिखाइए भाई, आप टायर्स में लाइट दिखाओ। इसके मैंने एलॉयज में लाइट लगवाई थी, पिछले टायर्स में भी लाइट लगवाई थी इसमें। और इसकी जो ये सो है, आपको सो में भी दिखाता हूँ अंदर खोल के आपको, ये देखाइए भाई आप, ये इसके सो के अंदर भी मैंने लाइट्स लगवाई थी। लाइट्स में इसके ये वाली लाइट्स देखिए आप एक बार, एलईडी लाइट लगवाई है मैंने अभी, कल ही लगवाई है। इसमें दो वो हैं, दो मोड हैं, एक तो ये वाले हैं इंडिकेटर वाले मोड, एक इसमें एलईडी वाली भी आपको दिखाता हूँ। अभी अंधेरा नहीं हो रहा, नहीं चांद ना बहुत ख़तरनाक है इनका, आँखों में बिल्कुल ऐसा लगती है, मतलब इन पर चलान भी है। आप कभी पुलिस वालों के भी आपने वीडियो देखी होगी, तो उसमें चलान भी काटते हैं पुलिस वाले इन लाइटों का। ये मेरा लाइटों में टोटल खर्चा आया था फ्रेंड्स, 2500 रुपये का खर्चा आया था मेरा लाइट्सों में, सारी लाइट स्वीट्स में, उन वालियों में, एलॉयज में, ये वाली, इनकी सारी लाइट्सों में यही खर्चा आया था। एक बार मैं लाइट्स बंद कर देता हूँ।
ये मैंने अभी हूटर भी लगवाया है, आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पे। देखिए भाई एक बार हूटर दिखाया आप, इसका आपको एक बार साउंड भी चेक कराता हूँ, देखिए आप कैसे साउंड भी इसका एक नंबर है। बहुत हूटर भी सस्ता है, ये ज़्यादा महंगा हूटर नहीं है, सिर्फ 25, ये है नहीं 2500 कह रहा हूँ, ये सिर्फ 500 रुपये का हूटर है, कोई ज़्यादा महंगा हूटर नहीं है। ये मैंने लगवाया है सहारनपुर से, बहुत बढ़िया कंडीशन है वो। आज स्टंट मारती भरी, आज थोड़ा सा टूट भी गया, मगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर बज बढ़िया रहा है। फ्रेंड जो इसका सलेंसर, फिर हमने वो तो लाइटों का तो मैंने आपको हूटर का बता दिया, जो इसका ट्रैक्टर का सलेंसर है वो टूट गया है, हैवी है लगा रखा है इसका कंपनी वाला, वो आ जाएगा 2-4 दिन में। आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, जो नया भाई आएगा उसको वो एक बार दूसरे किसी मेरे चैनल पे देख ले मेरी पहली वीडियो, उसमें सलेंसर लग रहा है। जो वो सलेंसर लगवाने में मेरा खर्चा आया था 2500 रुपये का, वो मैंने अपने आप बनवाया था, ऐसा सलेंसर कोई नहीं बनाता। मतलब ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत हर काम हार्ड होता है, मतलब यहाँ पे कोई करता नहीं है काम सब, तो मुझे अपने आप करवाना पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर यह 3 नाली सलेंसर था, इसमें अभी तो है नहीं, यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। कोई नहीं, मैं आपको वो सलेंसर की फ़ोटो इसी वीडियो में मैं यहीं पे लगा दूँगा। अभी चलो अब बात करते हैं ट्रैक्टर के टेपिंग के ऊपर। फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ ट्रैक्टर की टेपिंग के ऊपर, ये दिखाया भाई टेपिंग, ये वैसे स्टंट करके थोड़ा टेपिंग बेकार हो गई है, दुबई से करानी पड़ेगी मुझे। मैंने लिखवा रखा है यहाँ पे सिद्धू भाई की फ़ोटो लगवा के, स्टंट किए थे ना अभी, थोड़ा गंदा हो रहा है। देखिए ये वैसे फट गई, वैसे अच्छी टेपिंग थी, ऊपर से भी दिखाइए भाई आप एक बार, ये ऊपर भी मैंने म्यूजिक सिस्टम पे टेपिंग कराई थी इस पे। और मैंने इस पे ट्रैक्टर पे आपको आगे भी दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या टेपिंग करा रखी है। एक इस पे मैंने लगवा रखा है, ये दिखाइए आप भाई, फ्रेंड्स मैंने एक टेपिंग ये कराई थी, अपने यूट्यूब का लोगो लगवाया था यहाँ पे, गगन प्रो राइडर अपने यूट्यूब का नेम है ये। जो भी भाई न्यू आया है चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने चैनल को। ये देखिए हमने 2 ट्रैक्टर लगवाए थे 2 चैन के, ये 2 चैन के उससे लगाए थे, 2 चैन करेंगे अभी और किसी ट्रैक्टर से। अभी तो आप टेपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक इसकी मैंने आपने देख रहे हेडलाइटें स्मोक करवाई थी ट्रैक्टर की, देखिए आप एक बार, एक ट्रैक्टर के बम्पर पे देखिए अपने ट्रैक्टर का नाम लिखवा रखा है यमराज। बताना आप कमेंट करके कि कैसा लग रहा है अपने ट्रैक्टर का नाम, अच्छा है चेंज करें बता देना आप, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं आपको एक मेन बात बताता हूँ, मैं भूल गया था आपको पहले बतानी इस वीडियो में, इस यू पाइप के बारे में बहुत भाइयों के कमेंट्स आते हैं, क्योंकि छोटे ट्रैक्टर का कोई यू पाइप नहीं बनाता अपने यहाँ पे ट्रैक्टर का। जो यू पाइप है मैंने बनवाया था अपने यहीं पे, एक हमारा मिस्त्री है खास आदमी है उसने बनाया था ये, इसका आपको एक बार मैं इधर आके बताता हूँ, एक बार आप यू पाइप दिखा दो भाई। ये जो यू पाइप है इसकी फिटिंग करना ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अभी इस ट्रैक्टर की मेरे की भी फिटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, यू पाइप की हल्की सी कमी है, मतलब कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है, मुझे भी थोड़ा यू पाइप नीचे को बढ़वाना है, और इसमें सिस्टम नहीं लग रहा कहीं पे। इस यू पाइप को मुझे इसको ऐसे बढ़वा के इसमें अटैच करवाना है, जो इसका हीच होता है यहाँ पे, इस यू पाइप को इसमें अटैच करवाना है। वैसे यू पाइप बहुत मजबूत है, इतना मोटा यू पाइप बड़े ट्रैक्टर का होता है, जितना मजबूती बनना इस छोटे ट्रैक्टर का बनवाया, बहुत हैवी वाला यू पाइप है। ये मैं आपको एक बार ट्रैक्टर का टोटल कितना मेरे खर्चा आ गया मॉडिफिकेशन कराने पे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लगभग मेरे ट्रैक्टर पे हर चीज़ लाइटें वाइटें म्यूजिक सिस्टम टेपिंग वूपिंग हर चीज़ का खर्चा, मतलब टायर्स वायर्स लगा के इसमें 50,000 के लगभग खर्चा आ चुका है। मगर अभी मैं सोच रहा हूँ इस ट्रैक्टर में कुछ और भी करना, आप भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस ट्रैक्टर का, एक तो मैं बम्पर चेंज कराना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा पंजाब वाली वीडियो में वो बम्पर होता है ऐसे ऐसे ऊंचे वाला होता है ना, वो वाला लगवाना चाह रहा हूँ इसमें मैं भी, उसको लगवाएंगे काफ़ी लंबा लगवाएंगे, इतना लंबा कम से कम बहुत लंबे वाला लगवाएंगे जिससे ट्रैक्टर की लुक अलग आए। और इसमें मैं सोच रहा हूँ इसके यहाँ पे आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था वेट नहीं मिलने, यानी वेट लगवाना चाह रहा हूँ मैं ट्रैक्टर में पीछे, क्योंकि जो स्लिप लेता है ना ये, फिर ट्रैक्टर स्लिप नहीं लेगा, स्टंट भी उससे बहुत अच्छे होंगे
और टू चैन में बहुत फायदा देगी वो। आप बताना हो ट्रैक्टर में क्या क्या कराना है, मॉडिफिकेशन में क्या कराना चाहिए हमें, लाइट में हो गए, बम्पर, पीछे वेट, जो भी आपको पसंद आए कुछ भी मॉडिफिकेशन में वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। माँ फिर आपकी जो भी पसंद होगी उसी चीज को हम अपने ट्रैक्टर पे ज़रूर कराएंगे। चलो मिलते हैं फिर आपको किसी न्यू वीडियो में। धन्यवाद आपका।